हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग आप अच्छे होंगे। आपको मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है दोस्तों। और हाँ, आप सभी को नवरात्रि को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट से मेरा पूरा 300 कुछ सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और 560 या 57 घंटा ऐसा कुछ वॉच टाइम पूरा हो गया है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सब्सक्राइबर इंक्रीज कैसे करें और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। या अगर यूट्यूब पे आप चैनल बना रहे हैं, आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और व्यू कैसे लाएँ, सब्सक्राइबर कैसे लाएँ, व्यू कैसे लाएँ, हम आपको बताएँगे कि यूट्यूब में आप नए नए चैनल पर हैं, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, वीडियो भी अच्छा डाल रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा डाल रहे हैं, कनेक्ट फिर भी आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है कि आप चैनल को अच्छे से बनाइए और अच्छा एक यूनिक नाम दीजिए चैनल को। जैसे कि चैनल को यूनिक नाम दीजिए, जैसे अपना नाम दीजिए, या जैसे मेरा चैनल है अजय पंडित ब्लॉग, वैसे अजय पंडित ऑफिशियल या अजय पांडे ऑफिशियल या अजय पांडे ऑफिशियल या प्रजेंट एके प्रजेंट, ऐसे कुछ आप मतलब यूनिक नाम बना सकते हैं। और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं, सब बोलते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये करे वो करे, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। बस एक अपने चैनल खोलिए और चैनल क्रोम में जाकर स्टूडियो से खोलिए चैनल, यूट्यूब स्टूडियो से। और चैनल खोलने के बाद आप बस उस पर काम कीजिए। आप जो कॉन्टेंट बनाते हैं ना, उस कॉन्टेंट पर काम कीजिए। आप जो कॉन्टेंट बनाते हैं, उस कॉन्टेंट पर काम कीजिए आप, और हर रोज़ एक वीडियो डालें दोस्तों। ऐसा ही मेरा है, अभी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कम है क्योंकि अभी हमारा छोटा चैनल है, न्यू चैनल है। तो कुछ भी आपको सीखने को मिलेगा तो न्यू चैनल से ही मिलेगा, क्योंकि बड़ा चैनल तो है वो चूँकि पहले ही बढ़ चुका है चैनल। तो आपको कुछ भी सीखना है तो जीरो लेवल से सीखना है, जो जीरो लेवल में है वो कुछ ज़्यादा सिखाएगा। तो इसलिए बोलते हैं, अभी मेरा न्यू चैनल है, छोटा चैनल है, तो मैं भी शुरुआत किया था ऐसे ही। तो आप बस चैनल बनाएं और चैनल बना के जो कंटेंट आप बनाएं उस कंटेंट पर आप काम कीजिए। हर रोज़ एक न्यू वीडियो डालिए, हर रोज़ वीडियो डालिए, क्योंकि हर रोज़ वीडियो डालेंगे तो आपका जो कंटेंट है ना, लोगों तक पहुंचता रहेगा, जो सब्सक्राइब करेगा उसको हर रोज़ एक नया देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको नए सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हर रोज़ आप वीडियो डालेंगे तो हर रोज़ अगर एक दूसरा सब्सक्राइबर है आपको वीडियो देखेगा तो वो सोचेगा कि मतलब चलो हर रोज़ वीडियो डालते हैं, हर रोज़ कुछ नया देखने को मिलता है, तो किसी और को भी बताएगा तो भी सब्सक्राइबर मतलब अपने दोस्त से सब्सक्राइबर बढ़ाएगा कि इस चैनल पर हर रोज़ कुछ नया देखने को मिलता है। तो कुछ हटके कीजिए ताकि लोग अपना वीडियो तो आपका देखे, नहीं तो आप तो अभी नया नया चैनल खोलेंगे, आप इतना फेमस भी नहीं हुए हैं कि कोई आपको देखेगा या आपकी वीडियो देखेगा, तो ये तो आप इतना फेमस बड़े यूट्यूबर तो है नहीं। तो आप नए हैं तो आप सबसे हटके कुछ अलग कुछ यूनिक कीजिए। और वीडियो बनाने से पहले वीडियो मतलब क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी और वॉइस, ये सब पर ध्यान रखिए, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी और वॉइस अच्छी होगी तो ही वीडियो देखेगा। सबसे पहले तो आप जो कंटेंट बनाए उस पर काम कीजिए और रोज़ वीडियो डालिए, आपके सब्सक्राइबर और ऑलरेडी बढ़ता जाएगा, हर रोज़ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बस उस पर काम करते रहिए। अगर काम रोक देंगे सब्सक्राइबर रुक जाएगा। और ऐसा सब बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप उस पर वीडियो डालते हैं आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ऑलरेडी बढ़ता है। ऐसा खुद मेरा हुआ है, क्योंकि मैं भी न्यू चैनल खोला हूँ अभी, अभी मेरा नया 1 मंथ हुआ है खोले हुए, फिर भी मेरा 314 सब्सक्राइबर ऐसे हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब बता देता हूँ कि कोई भी मतलब तालाब बूंद बूंद भरता है, एक साथ नहीं भरता है। अगर कोई भी बोले कि हमको पैसा दो, हम तुम्हारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे, 4000 वॉच टाइम कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे आपको हानि होगा। तो आप वीडियो जो डालते हैं तो वीडियो डालने से पहले आप वीडियो को मतलब अच्छे से डालिए, वीडियो डालने से पहले देखें कि सही वीडियो है कि नहीं है, एडिटिंग सही कीजिए और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूर लगाइए। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे तो वो वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और लोगों तक पहुँचेगा तो लोग आपकी वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे आपको अगर आपकी वीडियो अच्छी हो तो। और वीडियो अपलोड करने से पहले थंबल जो होता है ना, थंबल अच्छे लगा, ऐसे थंबल अच्छे लगा है कि लोग जो देखें तो आपकी वीडियो को क्लिक करके देखें। थंबल अगर अच्छी रहेगी
तभी वीडियो अच्छी होगी। किसी किसी बार देखते रहते कि थंबल लगाए रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हुआ, ये होने के बाद ऐसा हो सकता, मैं सोचा नहीं। मतलब ऐसे थंबल बना के डालते हैं तो लोग देखने के लिए क्लिक करते हैं। चाहे ऐसे भी कुछ यूट्यूब पर वीडियो आती है जिस पर थंबल लगता है कि बच्चे इस वीडियो से दूर रहे, कृपया इस वीडियो को क्लिक ना करें। मतलब ऐसे थंबल बना कर डाले रहते हैं लेकिन लोग उसको क्लिक जरूर करते हैं। तो आप भी ऐसे थंबल बनाइए, ऐसे थंबल बनाइए कि देखने के बाद लोग उस वीडियो को क्लिक करें और उसको पुश मतलब स्क्रिप्ट भी करके देखेगा तो आपका व्यू आ जाएगा। तो यही बोल रहा हूँ दोस्तों, सब्सक्राइबर अगर आपको बढ़ाना है तो आप कुछ मत कीजिए, अच्छे से चैनल खोलिए। चैनल मतलब एक यूनिक नाम से चैनल खोलिए अपने, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि चैनल कैसे बनाया जाता है और चैनल कैसे खोले जाते हैं। तब पहले अपने नाम से यूनिक वीडियो मतलब यूनिक चैनल खोलिए और उस एक कॉन्टेंट बनाइए। कॉन्टेंट बनाने के बाद कॉन्टेंट पर काम कीजिए, रोज़ एक वीडियो डालिए तो आपके सब्सक्राइबर और लिमिटेड मतलब ऑलरेडी बढ़ता ही जाएगा। हर रोज़ 10-15-2 ऐसे शुरुआती में तो ऐसे ही बढ़ेंगे दोस्तों। जब आपकी कॉन्टेंट लोगों को पसंद आएगी तब कुछ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मेरा भी शुरू शुरू ऐसे ही हुआ है। मैं या स्टार्टिंग भी देख सकते हैं, अभी कोई मेरा बड़ा चैनल नहीं है, इसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों दिल लगा के काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और कैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं, ये हमको बताएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, तहे दिल से आराम रख।